हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार, और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे पाइथन में क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं और क्लासेस का यूज क्या होता है उनके अंदर, और भी कैसे फंक्शन बनाए जाते हैं। फंक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है और दोबारा हम क्लासेस समझेंगे। तो क्लासेस के नाम से हम बनाएंगे फाइल, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लास डॉट py के नाम से हमने बना लिया है और यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है क्लास, ठीक है। और इसका मैंने नाम दिया है x, ठीक है। ये पैरामीटर नहीं भी देते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता, ये पैरामीटर इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें हम एक फंक्शन बनाते हैं सिंपल सा, डिफ p यानी प्रिंट के लिए बना रहे हैं, और यहाँ पे पैरामीटर पास कर देंगे। पैरामीटर वो ये होगा कि टेक्स्ट ही दे दे रहा हूँ, टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आएगा वो क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंट करेगा किस में, नेम इज योर नेम इज, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट डाल देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट डाल देता हूँ ताकि जो भी स्ट्रिंग आएगा स्ट्रिंग में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, और यहाँ पे अगर हम कॉल करते हैं इसको a इज इक्वल x डॉट, यहाँ पे p के नाम से फंक्शन है, ये देखें ऐसे करके किया जाता है, और उसमें पास कर देंगे हम सुमेर, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको प्रिंट करेंगे, इसको बस कॉल कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे भी बस ऐसे डायरेक्ट छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। ए इज इक्वल स्पेसिंग एडजस्ट करनी थी, इसके लिए गड़बड़ दे रहा था, एरर दे रहा था। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो योर नेम इज सुमेश, सुमेश यहाँ पे दिया और ये यहाँ पे आके प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम समझेंगे कि हमने एक फंक्शन बनाया इसके अंदर, तो हम तो ऐसे भी फंक्शन बना सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स इसका क्लास का मतलब होता है कि एक ग्रुप, ठीक है, और इस ग्रुप के अंदर जो भी फंक्शन बनाते हैं उसे मेथड कहते हैं। इस बात को ध्यान दें क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछ देता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी हम फंक्शन बनाते हैं उसे मेथड कहा जाता है। अब इसके अंदर हम एक और फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे tx देते हैं, ठीक है, और txt करके, और इसके अंदर हम खाली इसको बनाते हैं, अभी कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर छोड़ देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एरर नहीं दे रहा। अगर कोई हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसे ब्लैंक छोड़ना है तो बस यहाँ पे पास कर देंगे, पास वैल्यू डाल देंगे और वो हम इसे यूज कर पाएंगे बिना किसी टाइप का, ठीक है, बिना किसी चीज को लिखे भी हम इसको रखने दे सकते, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसमें एक इनिट नाम का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, इनिट बना बनाया फंक्शन, बना बनाया जो होता है इनिट, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पैरामीटर दे देंगे, ठीक है, नेम एंड एज, ठीक है। अब हम यहाँ पे पास अब नहीं रखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल नेम, ठीक है। यहाँ पे जो नेम हमने दे रखा है उसे सेल्फ डॉट नेम के नाम से हमने दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पास करेंगे सेल्फ डॉट एज इज इक्वल एज, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको कॉल करने वाले हैं, ठीक है, ए इज इक्वल डॉट इनिट है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट अगर एक्स को कुछ पास करते हैं तो डायरेक्ट ये रिसीव कर लेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेम के नाम से अगर भेजते
दूँ, ठीक है, और एज के नाम से अगर कुछ पास करते हैं 30, ठीक है, और अगर इसको हम, ठीक है, यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं, सॉरी ए को, तो हम इसे आंसर में देख पाएंगे, ठीक है। ये अभी ये दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट इसको बस स्टोर किया है, अब हमें इसे सेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस जगह पे एड्रेस पे ये जाके सेव हो चुका है, ठीक है, और ये अभी हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमें इसे कॉल करने का सही तरीका नहीं पता था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ str नाम से भी एक वैसे ही फंक्शन आता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ, ठीक है, और सेल्फ के बाद लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट योर नेम इज, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पास कर रहा हूँ, ठीक है, अब इस चीज को मैं अगर पास करता हूँ एक्स डॉट str को पास करता हूँ, इसको मैं अगर पास करता हूँ नेम, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एज 20, तो अब देखेंगे कि शायद नेम प्रिंट हो जाना चाहिए अब, ठीक है, यहाँ पे तो अभी नहीं प्रिंट हो रहा है, ठीक है, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं कि हमने जब यहाँ पे सेव कर दिया है इसे, जैसे एक्स में हमने पास कर दिया है, ए में पास कर दिया है एक्स को, और पास किया हमने लोकेश और कामा दे दिया 30, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक्स डॉट नेम को, ठीक है, अगर एक्स डॉट नेम को अगर हम प्रिंट करते हैं, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एरर दे रहा है, रुकिए फिर से मुझे चेक करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा एरर ये आ रहा है कि हमें ए डॉट करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, हमें इसको कॉल करना है, इस वेरिएबल को, ठीक है। तो हम देखेंगे ये हमने स्टोर कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद इसको हम प्रिंट कर पा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको एज कर देते हैं, सेम वही जो डिस्ट टाइप का हम यूज कर रहे थे वैसे टाइप, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट ए डॉट नेम, तो हम देखेंगे कि हमें अब दोनों का दोनों मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, फंक्शन में हम इस टाइप का क्लास में फंक्शन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, उसमें सेल्फ मिलता है, ये वाले चीज़ें आप सेल्फ डॉट करेंगे, सेल्फ करेंगे तो यहाँ पे जो पैरामीटर आ रहा है उसी में नेम असाइन कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। अभी इसे हम ट्राई करेंगे अभी str वाले को, ठीक है। अब इसमें हम सेल्फ वाले को डायरेक्ट ट्राई करेंगे, तो डायरेक्ट हम इसको बस ऐसे कर देंगे, ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे ट्राई, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एरर दे रहा है थोड़ा सा, डॉट नेम करते हैं अगर जो, तो यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अभी हम इसको सेव कर देंगे, ये चला जाता है इस वाले में स्टोर हो जाता है, और हमने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया है इसलिए ये आंसर में आ रहा है। अभी हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे
लोकेश हमें प्रिंट होके मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने इसमें से इसे हटा दिया, यहाँ पे इस पी वाले को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जब इसे हम ऐसे कॉल कर रहे हैं तो ये प्रिंट हो रहा है, ठीक। अदरवाइज हम इसे डिफ करेंगे, str करेंगे और यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न योर एज इज प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट नेम पास करता हूँ, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। और अब हम इसे प्रिंट करते हैं, देखते हैं, ठीक है, ये मिल रहा है। और अगर हम डायरेक्ट इस फंक्शन को ही कॉल करते हैं तो हम देखेंगे डायरेक्ट ये इस वाले मेथड में पास कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे जब इसको कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल मतलब डायरेक्ट इसने स्टोर किया, ये स्ट्रिंग पार्ट में जब जा रहा है तो डायरेक्ट इसका नेम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका एज भेज सेंड कर रहे हैं तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट एज भेजेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे ये इंटीजर है इसलिए हमें इंटीजर पास नहीं कर रहा है। अगर डायरेक्ट हम इसको स्ट्रिंग मांगते, अगर इसको हम स्ट्रिंग कर देते, अगर हम इसको स्ट्रिंग कर देंगे तो हम देखेंगे कि अब ये इसको स्ट्रिंग को भी पास करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग कर दिया इसलिए ये स्ट्रिंग हो गया, तो अब इसको ये पास करेगा, अदरवाइज हमें ये स्ट्रिंग पास नहीं करता, ठीक है। इनिट वाले में हमें सिर्फ जो डेटा चाहिए उसे कम हम एक्सेस कर पाएंगे, पर इसमें हमें बाउंडेशन होगा कि हम बस इंट वाले में इसको स्ट्रिंग वाले में सिर्फ हम स्ट्रिंग पास कर पाएंगे, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, आप अगर इसको लिख देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट काम करेंगे, ये खुद ब खुद एक्सेस होते हैं इसी के फंक्शन के नाम से, इनिट और str, ये दोनों फंक्शन खुद ब खुद इसके नाम से एक्सेस होते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे डिलीट करेंगे ए डॉट डेल, ठीक है, एक्स डेल डॉट एन ए एम, ठीक है, डेल ए डॉट नेम कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से ए डॉट डिलीट हो गया है, अब ये स्ट्रिंग में हम पास करते हैं, ठीक है, और अगर हम इसको पास करते हैं तो हम देखेंगे कि आंसर हमें नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम एक्स ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, यानी कि ये डिलीट हो चुका है इसलिए नहीं, ठीक है। अगर हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, सॉरी इसको रहने देते हैं, अब यहाँ पे नेम की जगह पे हम एज पास करते हैं, डबल कर्सर मैंने यूज कर लिया था एज, ठीक है। अगर हम इसको कॉल करेंगे तो हम देखेंगे कि ये अवेलेबल है पर ये वाला डिलीट हो चुका है, नेम इसके अंदर से डिलीट हो चुका है। तो ऐसे हम चाहेंगे तो इसके अंदर डिलीट कर सकते हैं, सेम यही मेथड हम यूज करके लिस्ट में भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ कमेंट में यस करें, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर मुझे बताएं, मैं इसको दोबारा से ठीक से तरीके से समझाऊंगा, किसी दूसरे टाइप से यूज करके इस प्रोग्राम को बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।